सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आप मेरे चेहरे की हंसी से रिलेट कर सकते हैं कि मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ। यस, आई एम टू मच हैप्पी टुडे, क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम बाद कॉलेज जा रहा हूँ। बट वो खुशी कॉलेज जाने की नहीं है, वो खुशी एक्चुअली इस बात की क्योंकि हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट टीचर है संगपाल सर, वो काफ़ी अच्छी मतलब पेंटिंग बनाते हैं, लाइव पेंटिंग बनाते थे तगड़ी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले बोला था कि जूजू आप कॉलेज में आना, मैं आपके एक स्केच ड्रॉ करूँगा। तो आई जस्ट लाइक ये क्या हो गया, तो मैं उसी के लिए आज का कॉलेज जा रहा हूँ एंड आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर टुडे। तो यार गाइज, अगर कोई भी बियर्ड एक्सपर्ट मेरा व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ यार मुझे एडवाइस जरूर देना यार, मैं अपनी बियर्ड के लिए क्या करूँ, क्योंकि यार एक साइड की ना मेरी कम आती है, एक साइड की ज़्यादा आ जाती है, और एक महीने से ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा बढ़ी नहीं रही है, जिससे ना मुझे बार बार क्लीन शेव कराना पड़ जाता है पूरा। तो अब मैं कॉलेज जाने के लिए एकदम रेडी हो गया हूँ और यहाँ से मैं बस से जाने वाला हूँ, और कॉलेज में मुझसे जुड़ने वाले हैं एनिमेटर गगन, क्योंकि कोई साथ में नहीं है, भंडारी भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, एनिमेटर गगन और आंचल मेरे साथ जुड़ने वाले हैं आगे। तो यार मैं एकदम रेडी हो गया हूँ कॉलेज जाने को, नाश्ता वास्ता करके पिताश्री मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो यार अभी मैं चेंज करने आया हूँ, सर बाहर आ गए हैं, सर मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ गगन एनिमेटर जुड़ चुके हैं, एनिमेटर गगन। तो अभी मैं चेंज करके फिर चलता हूँ बाहर। हाय गाइस, आई एम बैक। जूजू का भी थोड़ी देर में स्केच बनेगा, वो जा रखा है यहाँ। देखो ना रस्ते हमको भुला रहे हैं, कानों में जैसे ये कुछ गा रहे हैं, मंजिल मिलेगी या मुसाफिर सा मेरी खोज बिन जारी हाँ, ये राहें देती आवाज मुझे रोज बुलाती हाँ, रखा एक पासे मेरा ख्वाब एक पासे जिम्मेदारी हाँ, मेरा सफर जारी हाँ, जीवन जंगल सफारी सा, मुझे कल की नहीं खबर, फिकर मैंने आज करा क्या, दिखा मुझे वक्त नहीं पर सबर का पाठ पढ़ा था, समा ये खूब लुभाता भले ना हो इजाफा, जो बदले रुख हवा का चलूं मैं सब बुलाता, फिरा करूं कभी जख्म छुपाता, जहां मैं मुस्कुराता लगे मेरा दूर ठिकाना, वजन पर लफ्ज सजाता फलक मेरा लक्ष्य इरादा, रखूं सब याद भुलाना भार लगे कर्ज चुकाना, लिखूं जब सब खुलासा ए। कुछ भी कौन सुने रहता खुश दिल, मन कहे ले जा दूर कुछ दिल, अपने अंतर मन की धुन सुन, वक्त नहीं रुकता फिर तू क्यों, अव्वल तू खुद में सक्षम हूँ फिर अंतर क्यों, रखूं धैर्य पर चलता जो सब खैर ये चिंता क्यों, कहूँ मस्त कैफियत बिंदास मूड लूँ आसमान चुप जमीन पर रह के आकाश हूँ, सही समय सही रास्ता लूँ नई सुबह कहीं चलता दूँ। सिर्फ दर्द मिला जिनकी थी ख्वाहिश उन्हीं ने ये जख्म दिया, फिर हार के मैंने खुद को गले लगाया, जो खोया था मैंने उसको खुद ही में पाया, देखो ना रास्ते हमको भुला रहे हैं, कानों में जैसे ये कुछ गा रहे हैं, मंजिल मिलेगी या ना मिलेगी इन रास्तों पे फिर भी चले जा रहे हैं, देखो ना रास्ते हमको भुला रहे हैं, कानों में जैसे ये कुछ गा रहे हैं, तो पे फिर भी चले जा रहे हैं। तो यार गाइज, मुझे वहाँ पर 15 मिनट हो गए थे बैठे हुए, और अब तक संगपाल सर ने ये बनाया है, ये काफ़ी अल्टीमेट बनाया है,
बाकी जो मेरे पीछे व्लॉगिंग के लिए मैं लाया था, ये गगन को लाया था, इतना बेवकूफ एक नंबर अंकल जी, इसके लठ लगाओ इसके। बाकी ये है मेरे टीचर फाइन आर्ट के संगपाल सर, तो यही आज मेरा चारकोल ड्राइंग बना रहे हैं। बाकी ये उनके स्टूडेंट्स हैं, इनका नेम अपूर्वा नेगी, इनका नाम अपूर्वा नेगी और इनका नाम अंकित, अंकित है। बाकी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया है ये, इन्होंने इनसे पहले इसने भाई ने रफ बनाया था, ये एब्स्ट्रैक्शन है, फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे पैर है, यहाँ पे सिर है। ओके काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ इस लड़के की, ऐसे कर ऐसे कर, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, घुसेड़ दे मेरे मुंह में, थोड़ा पीछे कर रहे और वहाँ पे सर लोग काफ़ी अच्छा स्केच बना रहे हैं, वैसे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मुझे पता नहीं वहाँ पे हो क्या रहा है। बाकी अरे यार इसे यहाँ से मुँह पर भैंक रहे था मुँह पर, भाई क्या कर रहे, कुछ सीख उसमें बहुत कुछ। अगर मुझे क्लिप नहीं मिली ना माँ की कसम सही, तो तू देखियो गगन, तेरे गगन को मैंने गंगा में नहीं डुबा दिया ना आज। तो यार संगपाल सर ने काफ़ी तगड़ा ही लेवल का बनाया है, बाकी इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया, अभी उनका स्टार्ट ही है ये। ब्रो का तो ओपी लेवल कर तू फ्रेम खराब। तो यार गाइस ये सर ने चारकोल ड्राइंग अभी तक बनाई है, अब सर इसके पीछे जो ये है दूसरा वाला बोर्ड, सर ये कौन सा बोर्ड है? ये ड्राइंग बोर्ड है और ये इंपोर्टेड माउंट बोर्ड है, ये प्रिंटेड पेपर है, कलर ग्रे प्रिंटेड पेपर। सो इसके ऊपर मैं अभी पेस्टल सॉफ्ट पेस्टल में करूँगा पोर्ट्रेट इनका। तो जैसे ड्राइंग अच्छा हो गया है वैसे पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छा हो, सब होगा सब होगा, हम आपके साथ। तो गाइज़ ये अभी तक सर ने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, अब इसमें फिलिंग हो रही है कलर्स की बाकी के। और तो यार ये है सॉफ्ट पेस्टल्स जिससे सर इसकी फिलिंग कर रहे your reaction about on this painting. Le sir ka review le sir, isme padak walaoge tu posta nahi lega, tu posta raho sir, wait is your sir, give me some review. learn how to speak, learn learn how to you know interact with the people when you're holding a camera especially.
job, man. Thank you, sir. Good job. तो यार ये अंकित भाई है और इन्होंने तो भाई एक नंबर ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर दिस। कौन है ये? ये है जूजू, यूट्यूबर ब्लॉगर। तो यार चारकोल ड्राइंग वो उस समय मैंने प्रॉपरली नहीं दिखाई, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सर ने सबसे पहले इससे पहले बनाई थी। ये है वो ड्राइंग और ये इतना अल्टीमेट बना हुआ है ना गाइस। तो यार हम अपना लंच वगैरह करके आ गए, हम फिर से अपने काम पर लग गए। मैं यहाँ पर पोजीशन में बैठा हूँ, सर पीछे वहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और कॉलेज इस वक्त काफ़ी खाली सा हो गया है। तो यहाँ पर संगपाल सर ने काफ़ी ये ऑलमोस्ट 70% डन है, 50-60%। तो ये 50-60% डन है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। सर कितना टाइम हो गया इसको बनाते हैं? 3 hours हो गए, 3-4 hours हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये काफ़ी अच्छा पेंटिंग होगा। तो आपके पैर कितने दर्द हो रहे हैं? मेरा ना सिर्फ लेफ्ट वाला टैंक थोड़ा सा थक गया है, बाकी सब परफेक्ट है। मजा आ रहा है, सब कोई देखते हुए जा रहे हैं, लोग सर भी जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सब हो रहे हैं, तगड़ा ही है। तगड़ा रिफ्रेशमेंट भी मिल गया बस और क्या। और क्या चाहिए जिंदगी में? मैंने सर की है, सर की और वाली दिखाऊंगा। भैया ने भी बड़ी सेक्सी पेंटिंग बनाई है। भैया कितना टाइम लगा इस पर? ये मेरा हाफ एन आवर में हो गया था ना, 1 hour। हाँ ऐसे ही काफ़ी सेक्सी बनाई है। क्या हुआ? हो ओपी कैसा लग रहा है? हाँ भाई जी आप ही हो। ओ भाई तो ये सर ने बनाई, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। वेलकम। बहुत तगड़ा ही हो गया। तो यार आज के लिए ये काफ़ी हो गया था, मतलब सर ने काफ़ी अल्टीमेट बनाया है और अब घर जाने का टाइम है, सो हम वापस जा रहे हैं। बाकी मेरी शक्ल का आप देख सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ, कैसी हालत हो रही है।